जंगल के जानवर देखो कैसे गांव के अंदर चला आया है। उसको बहुत जोर से भूख लग रहा है। एक आदमी ने उसको बिस्कुट दिया, लेकिन वो बिस्कुट खा नहीं पा रहा है क्योंकि वो बंदर बूढ़ा हो गया है, उसका दांत भी टूट गया है। वो कोशिश कर रहा है खाने के लिए, लेकिन वो बिस्कुट थोड़ा कठिन है, इसीलिए उसको खा नहीं पा रहा है। इधर उधर देख रहा है, देखो कैसे कोशिश कर रहा है खाने के लिए, लेकिन खा नहीं पाया। फिर मैंने गया, एक केला लेके आया, उसको दिया, देखो कैसे उसका छिलका छिल रहा है। उसको खाने के लिए कोशिश करेगा अभी, और आराम से वो केला खा रहा है। उसके दांत नहीं होने के बावजूद केला को कैसे खा रहा है। वो दिन भर कुछ नहीं खाया है, दिन के 3 बजा है और दिन भर घूम घूम के कुछ नहीं मिला, और यहाँ गांव के अंदर आ गया ये बंदर। फिर मैंने सोचा, अगर ये बंदर को मैं एक केला दूँ तो शायद उसका पेट भर सकता है। फिर मैंने 2 केला लेके आया, एक केला मैं खाऊंगा सोचा, लेकिन वो केला को भी मैंने अपने पास रखा था और उसको 1 केला दिया। वो केला को कैसे आराम से अभी खा रहा है, मन ही मन बहुत खुश हो रहा होगा कि कोई अच्छा आदमी मुझे 1 केला दिया जो कि मेरा पेट भर जाएगा। अभी देखिए, जानवर बहुत मासूम होता है, जानवर किसी की भी कुछ नहीं बिगाड़ते हैं, लेकिन अगर उनके ऊपर कोई मुसीबत आता है तो वो जरूर खूंखार बन जाते हैं। ये जानवर बहुत मासूम होते हैं, देखो कैसे प्यार से कैसे खा रहा है। बंदर की जवानी में शायद किसी के साथ जोर शोर लड़ाई किया था, इसीलिए इसके मुंह पे चोट लगा था, जो आज ये मुंह कैसे अगली दिख रहा है देखो। लेकिन बंदर बूढ़ा हो गया है, फिर भी वो ऐसे कपला के केला खाया, और मैंने दूसरी केला भी उसको दे दिया, और वो दूसरी केला को भी छिलका छिल के खाने का प्रयास कर रहा है और खा रहा है। देखिए बहुत भूखा है, इसीलिए अभी वो 2 केला को भी खा गया है। चलो देखते हैं ये बंदर आगे क्या करता है। शायद खाना खाने के बाद, मतलब केला खाने के बाद उसको पानी का जरूरत होगा, जो कि उसके बाद वो पानी ढूंढने के लिए कहीं दूसरे जगह पर जा सकता है। लेकिन मैं पानी का भी व्यवस्था अभी करने का प्रयास कर रहा हूँ। देखो ये बंदर बूढ़ा हो गया है, लेकिन किसी को कुछ नहीं करता है, लेकिन ये बहुत खूंखार बंदर है, फिर भी ये बूढ़ा हो गया बोल के कुछ नहीं कर पाता है। और यहाँ देखो सब लोग बैठे हैं, फिर भी ये अकेला कैसे बैठा है। देखो यहाँ सब लोग बैठे हैं, फिर भी ये चुपचाप बैठा है, क्योंकि अभी बूढ़ा हो गया है। देखो उसका दांत भी नहीं है, उसका दांत सब टूट गया है देखो, और केला खा के मुँह सारा हो गया है उसका। मैंने उसको 2 केला दिया तो ये केला खा के पूरा खुश होके उधर उधर देख रहा है, कोई उसे कोई चोट ना पहुंचाए, इसीलिए वो यहाँ बैठा है, उधर देख रहा है। देखो इधर एक बूढ़ा आदमी आ रहा है, बूढ़ा आदमी को बूढ़ा बंदर, देखो वो बूढ़ा आदमी को देख रहा है कैसे, शायद वो सोच रहा है कि मुझे मारेगा क्या, लेकिन नहीं, वो बूढ़ा आदमी उसको डर के चला गया है उधर। देखो अभी ये कैसे इधर उधर देख रहा है, उसके पास केला दो अभी चला गया, शायद अभी वो पानी पीने के लिए जा रहा है। हाँ अच्छा भैया, भैया थोड़ा पानी लाओ, देखो उसको पानी दिया है, लेकिन ये पानी वो नहीं पिएगा। मैं सोचता हूँ कि वो पानी में कुछ
शायद गिरा है, इसीलिए वो पानी नहीं पी रहा है। वो अभी इधर उधर देख रहा है, उसके पीछे एक बड़ा सा डेकची है जिसमें पानी फूल है, और उस पानी को बंदर देख रहा है। देखो कैसे मुंह लगा के उस डेकची का पानी को पी रहा है। बस थोड़ा सा पानी पी लिया, फिर देख रहा है शायद कोई उसको कोई चोट ना पहुंचाए। फिर देखा, उधर उधर देख रहा है, देखो, फिर सोच रहा है कि मैं और थोड़ा पानी पी लूं, और फिर मुंह लगा के फिर से पानी पीना शुरू किया। बहुत प्यास भी लग रहा है उसको, तो पानी पी रहा है। देखो कैसे पानी मुंह लगा के पी रहा है। पानी पीने के बाद शायद वो खुशी खुशी चला जाएगा। चलो पानी पी लिया, और अभी उसका जाने का टाइम हो गया है। शायद वो अभी चला जाएगा। जो ये वीडियो देख रहे हो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। जय वीर हनुमान।